लेकिन मैं एक बात मान्यवर को बताना चाहता हूं कि जब जब आप आते हैं स्वागत तो आपका करते ही हैं, लेकिन जब आपके आने का समाचार भी मिल जाता है तो हम इस बात की इंतजार करते हैं कि आप आ रहे हैं। निश्चित रूप से इस जो सड़कों का बड़ा जाल न केवल हरियाणा प्रांत में बल्कि देश भर में जो बनाया फैलाया जा रहा है, जरूर हमको आप एक सड़क, दो सड़क, तीन सड़क देकर जाएंगे। और यही नहीं, हम तो ये भी अपेक्षा करते हैं कि जब यहां से जाने के लिए तैयारी करेंगे, जाते जाते अपने भाषण में कुछ और नया भी देकर के जाएंगे आगे करने के लिए। हम लोग लगातार यहां जो आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं उनकी सराहना करते हैं। आज भी 11 ओवरब्रिज, अंडरपास, ओवरब्रिज सब मिलाकर जो नेशनल हाईवे नंबर 44 मुबारका चौक से और पानीपत तक, मुकरबा चौक से पानीपत तक, और ऐसे ही करनाल शहर का एक पूर्वी बाईपास, इसका शिलान्यास, इन ओवरब्रिजेज का तो आज उद्घाटन हुआ है, करनाल बाईपास का शिलान्यास, और ऐसे ही अंबाला शहर का एक नया बाईपास वो भी बनेगा, उसका भी आप शिलान्यास करने के लिए आए हैं। इनकी कीमत लगभग 3700 करोड़ रुपए की ये बनती है जो आपने हमें सौगात दी है। पहले भी जितने नेशनल हाईवे बने हैं, 17 नेशनल हाईवे अभी तक हरियाणा में बन चुके हैं, और विशेष बात यह है कि सब नेशनल हाईवे हरियाणा के सभी जिला केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके सब जिला केंद्र नेशनल हाईवे से जुड़ गए हैं, शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा। जब हम नक्शा देखते हैं और वो रोड्स का नक्शा जब होता है तो ऐसा लगता पूरे देश में जाल सा बुन गया है। अब इन सड़कों पर जब हम सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो बहुत ही एक आनंद का विषय होता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इन सड़कों का लाभ उठाता है, घंटों का सफर मिनटों में हो जाता है। आज याद कर रहे थे स्वयं नितिन गडकरी जी कि जब ये 1986-87 में हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, दिल्ली से जब ये सड़क देखते थे, ट्रैफिक बहुत होता था। मुझे भी याद है ये सड़क उस समय सिंगल रोड होता था और चंडीगढ़ से दिल्ली तक 6.5-7 घंटे लगते थे, जो चंडीगढ़ से दिल्ली आज मात्र 3 घंटे 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। केवल यही नहीं, बहुत से मार्ग बन गए हैं और बहुत से मार्ग जो हैं आगे जो है पाइपलाइन में हैं। तो मित्रों, जब जब हम बताते हैं तो जैसे ही ये हमारी सड़कों को स्वीकार करते हैं, एक बात की हैरानी सब लोग प्रकट करते हैं कि नितिन जी ये पैसा कहां से आता है। इनका कहना कि पैसे की चिंता मत करो, पैसा बहुत है, अपने सरकारों के पास भी है, जनता के पास भी है, लगाने वाले आप मांग बताओ, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूं जैसे जादूगर, उसको कहा जाए हवा में से पैसे निकाल के ले आता है, तो आप भी पैसा लेने में, पैसा इकट्ठा करने में, लोगों का पैसा निवेश कराने में किसी जादूगर से कम नहीं है जितना पैसा आप लगवा देते हैं। तो मैं आज आपके आने के अवसर पर बहुत ही आपको बधाई देता हूं, क्योंकि ये 9 वर्ष हो गए हैं केंद्र सरकार के, और इन 9 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो सरकार बनी है, और हम भी लगभग 8.5 साल से हरियाणा में अपनी सरकार चला रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किए हैं, जैसा सड़कों का जाल है वैसे रेलवे का जाल, ऐसे ही जहाज की यानी सफर कितना आसान सस्ता हो गया कि एक आम हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी अब हवाई यात्रा कर सकता है। तो इस प्रकार से ये सारे काम हुए हैं। इन कामों को लेकर के 9 वर्ष में जो काम हुए, हमने भी हरियाणा में केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और मैं कहता हूं कि जो योजनाएं केंद्र सरकार ने हमको दी उन सब योजनाओं पर हमने काम किया है। खास करके आम आदमी, आम सामान्य व्यक्ति, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, उनके हित में केंद्र ने कितनी ही योजनाएं चलाई हैं, और उन योजनाओं को लागू करने में हमसे जो अपेक्षा की गई हमने की है। हमने अलग से हरियाणा में भी जो 10 साल पहले, हम जानते हैं
कि किस प्रकार की भय की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजावाद की ये सरकारें चलती थी, हमने उन सब को समाप्त किया है। आज निर्भय होकर के, चाहे यहाँ का गरीब आदमी हो, चाहे आपका सामान्य आदमी हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई निवेशक हो, उद्योगकर्ता हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार के एक एक जिसको कहना चाहिए ऐसे वातावरण को सपोर्ट करते थे कि कैसे गुंडागर्दी आगे बढ़े, क्योंकि उसके आधार के ऊपर इनके शासन चलते थे। अब इस सालों में निडर होकर के सब लोग अपना काम करते हैं। जो हमने सरकारी नौकरियां दी हैं बिना किसी पर्ची खर्ची के, जैसा कोई भेदभाव नहीं, मिशन मेरिट, इसको हमने जो है समर्थन किया है। और इस मिशन मेरिट के कारण से आज हमारा युवा, वो हरियाणा में पढ़ाई की लगन उसको लग गई है। जो कोचिंग सेंटर खाली होते थे वो भर गए हैं, लाइब्रेरीज में पैर रखने की जगह नहीं है, हमारे कॉलेज और एजुकेशन के सेंटर ये खूब बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार हमने कुल मिलाकर के जो 5 S मैं कहा करता हूं, उसमें हमने काम किया है, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वरोजगार है, इन सब बातों पर हमने जो काम करने के लिए अपने बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं, आज गिनाने का अवसर नहीं है। 3 C पर हमने चोट की, वो कास्ट बेस हमारा जो राजनीति है उस पर हमने चोट की है, करप्शन पर हमने चोट की है और क्राइम पर हमने चोट की है। कल मुझे प्रसन्नता हुई जब अमित भाई शाह, उन्होंने कहा कि हरियाणा में 3 D चलते थे, इस 3 D में एक तो यहां दरबारी, ये दरबारी लोग ये शासन किया करते थे, एक यहां डीलरों की भरमार होती थी, ये जो डीलर थे ये अपने देश में, इस प्रदेश में शासनों की बागडोर अपने हाथ में रखते थे, और उन्होंने कहा दिल्ली के दामाद को जो सपोर्ट होती थी, 3 D, तीनों डी का जो असर है वो हमने समाप्त कर दिया। मित्रों, हमने समाप्त कर दिया। हम इन कामों के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग अगर तुलना करें तो कांग्रेस की सरकार से कई मायनों में आगे पहुंचे हैं। स्थान स्थान के ऊपर कभी कभी मीडिया के सामने वो शेख ही बघारते हैं, घोषणाओं की भरमार जिन्होंने की, उन घोषणाओं पर भी उन्होंने काम नहीं किया, लगातार हमने आने के बाद काम किया है। अगर मैं कुछ 4-5 बातें आंकड़ों सहित आपको बताना चाहता हूं कि जिसमें से उनकी पोल पट्टी खुलती है, हम अभी तक बोले नहीं, अब चूंकि वो बहुत ज्यादा जब बोलने लगे हैं तो मैं आज इस मंच के माध्यम से मित्रों हर क्षेत्र की आपकी, यानी इस हरियाणा सरकार की जो उपलब्धि है वो आपके सामने बता रहा हूं ताकि आप लोगों को बता सकें। अगर मैं किसानों के मुआवजे की बात करूं, किसानों का मुआवजा खराबा 6,000 रुपया एकड़ था उस समय, जाते जाते उन्होंने 10,000 किया जरूर था 2013-14 में, लेकिन 1 पैसा भी दिया नहीं था। वो मुआवजा भी हमने आकर के उनका पे किया और उन्होंने जितना 1,250 करोड़ 10 साल में मुआवजा दिया, हमने 1,200 की जगह इन 8-8.5 सालों में 11,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं मित्रों, लगभग 10 गुना मुआवजा। उसमें आपके सोनीपत जिले का भी मैं स्वयं आया था, बल्कि ये 12,000 से 15,000 की घोषणा मैंने सोनीपत जिले में की थी आकर के। तो किसानों के मुआवजे में, किसानों की MSP में, भावांतर भरपाई योजना, जब उनका बिकता नहीं है माल तो हम कहते हैं हम सरकार की ओर से देंगे। अभी कुरुक्षेत्र जिले के किसान, उन्होंने कहा कि सूर्यमुखी कम भाव पर बिकती है, हमने कहा जिस भी भाव बिकती है भाव भी बढ़ाएंगे, 4200 से 4800, 4900, 5000 ये भाव हमारी संस्था ने की और 1,000 रुपया हमने सरकार की ओर से दिया, तो 4200 से 6,000 रेट लगा करके और उनकी खरीद आज भी हो रही है। मुझे उम्मीद है रेट बढ़ेगा तो किसानों के हाथ में किसी भी सीमा तक, बाजरा पिट गया हमने दक्षिण हरियाणा में 600 रुपया क्विंटल ये हरियाणा सरकार की ओर से उनको दिया। तो जब भी ऐसी कोई समस्या आती है हम उसमें ये काम करते हैं। भाइयों बहनों, अब अगर मैं पेंशन का विषय लेता हूं, उनके समय 1,000 रुपया पेंशन मिलती थी, जो हमारे वृद्धावस्था पेंशन है या हमारी बहनें जो विधवा हो जाती हैं उनको 1,000 रुपया महीना पेंशन थी, हमने 2,750 करोड़ रुपया कर दिया है और आने वाले समय में इसको अपने इस कार्यकाल में ही 3,000 करेंगे, आगे की बात आगे देखेंगे, आगे भी बढ़ेगी। लेकिन हम इनकी तरह खोखली बातें जो 600-800 करोड़ रुपया 600 और 800 रुपया महीने का देते थे आज कुछ भी सेखी बघारते रहे। आखिर बजट के हिसाब से हिसाब सब लगाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो हम भी लगाते हैं और इस बजट के अनुसार हम निश्चित रूप से, और ये सारे देश भर में सबसे अधिक है, कोई प्रदेश
इतनी बड़ी राशि अपने आप पेंशन के नहीं देता है। इसी प्रकार हमने विवाह शगुन योजना, वो 31,000 देते थे, हम 51 से 71,000 रूपये देते हैं। हमारे अनुसूचित जाति के मित्रों को उनका मकान की रिपेयर वो 25,000 देते हैं, हम 80,000 रूपये देते हैं। 24 घंटे बिजली उनके समय केवल 538 गांव में थी, हमारे यहाँ 5,737 गांव में इस समय 24 घंटे बिजली मिलती है। इसलिए मित्रों हम इन सब चीजों पर, नौकरियों की यदि बात करूं, उन्होंने 10 साल में 86,000 नौकरियां दी और हमारे 10 साल पूरे होने पर दावे से मैं कहता हूं डबल 1,70,000 पूरी हो जाएंगी, 1,10,000 पर तो हम पहुंच चुके हैं। 60,000 नौकरियां अगले 6 महीने के अंदर ये हम अपने हरियाणा को जवानों को देने वाले हैं, 1,70,000 नौकरी हो जाएगी मित्रों। इसी प्रकार श्रमिकों का वेतन, न्यूनतम वेतन इनके समय में कुल 5,500 से लेकर 6,100 रुपए, यही तक इनका न्यूनतम वेतन था। आप आखिर का साल 2014 उठा करके देख लीजिए, हमने उसको बढ़ाते बढ़ाते और अभी इस समय सभी हमारे प्रकार के जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड ये श्रमिक, इनको 10,000 से लेकर 14,000 रुपए मिलता है, डबल पैसा हमने इन समय में हमने किया है। जहां तक मेट्रो की बात वो लोग करते हैं, हम ये मेट्रो लाए, हम वो मेट्रो लाए, लेकिन मित्रों इस मेट्रो पर जितनी वो लाए खोखली घोषणाएं काफी की उन्होंने, हमने आने के बाद जो उसको विस्तार दिया, उसको कंप्लीट कराया, उसका हमारे निवेश के हिसाब से आप समझ सकते हैं, सरकारी आंकड़े हैं, आप उठा के देख लीजिए कि उनके 10 सालों में कुल 1600 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है और हमने इन 8.5 सालों में 3900 करोड़ रुपया खर्च किया मित्रों, 3900 करोड़ रुपया मेट्रो में। बहुत जल्दी ये आपकी मेट्रो कुंडली में पहुंचने वाली है और कुंडली के बाद जैसा RRTS की बात बताई, मैंने कल ही अपने विभाग को कहा है कि इसके पैसे जल्दी कराएं। सराय काले खां से ये पानीपत और करनाल तक की RRTS ये केंद्र की सरकार की ओर से मंजूर हो चुका है, बहुत जल्दी इसका निर्माण ये शुरू हो जाएगा मित्रों। इसी प्रकार से मेडिकल एजुकेशन की बात करते हैं, मेडिकल एजुकेशन में मेडिकल कॉलेज हर जिले में कुछ में काम चल रहा है, कुछ में आगे आने वाले 3 साल के बाद शुरू होगा, 2 साल के बाद शुरू होगा, लेकिन घोषणाएं सब हुई हैं। हम इसको भी आंकड़ों से बताएंगे तो 903 करोड़ रुपए का खर्च मात्र इन्होंने 10 साल में किया, 903 करोड़, और हमने इन 8.5 साल में अभी तक 1683 करोड़ रुपया खर्च किया है। इन्होंने जितने काम छोड़े थे अधूरे सब हमने पूरे किए। आज भी जींद जिले में, आज भिवानी जिले में, आज महेंद्रगढ़ जिले में 3 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं जिसके ऊपर 1000 करोड़ रुपया के लिए 3 मेडिकल कॉलेज पर खर्च किया है। बताने के लायक बहुत है मित्रों, मैं अगर बताने लगूंगा तो मुझे लगता है कि हमारे नितिन जी को जो विषय केंद्र सरकार की ओर से भी रखने होंगे, ये हमारी भी कुछ चीजें इनको ध्यान में होंगी, निश्चित रूप से हमारी जो डिमांड भी है उनको भी हमने दिया है। एक छोटी डिमांड मैं इनके सामने जरूर रख रहा हूं, जरूर मैं चाहूंगा कि उसकी आज जरूर करके जाए। वैसे तो फ्लाईओवर और अंडरपास रेलवे के जहां जहां नेशनल हाईवे हैं, जहां जहां हमारे स्टेट हाईवे हैं, उन सब के पर्याप्त बने हैं, अब फाटक बहुत कम रह गए हैं, फिर भी कुछ स्थानों पर अभी जो ROBs और जो ब्रिज बनने हैं रेलवे लाइनों के ऊपर अथवा सड़कों के ऊपर, वो जो ब्रिज और ROB बनने हैं उनके लिए हमारी एक आवश्यकता है कि हमको 300 करोड़ रुपया और इसका जो सेतु बंधन योजना भारत सरकार की है, इस योजना के अंतर्गत ये हमको जरूर मंजूर करके जाए।